वायरल स्नैक गर्ल है। कुछ लोग इसको वायरल स्नैक गर्ल के नाम से जान रहे हैं क्योंकि इसके पेट में दावा किया जा रहा है कि दोष साफ है, जो झूठा है, जो अफवाह है। कुछ झोला छाप डॉक्टर है जो इनके पिताजी को बोल दिए थे कि बबिया के पेट में दुगो सांप जो है फुफकारा मार रहा है और पूरा परिवार डरा हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो पूर्ण रूप से झूठ है क्योंकि आज के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बच्चिया के पेट में किसी भी प्रकार का सांप नहीं है। और ये वाकई में हकीकत है कि बच्चे के पेट में सांप कैसे आएगा? अगर बच्चे के पेट में सांप आएगा तो हो सकता है बच्चा मर जाएगा, नहीं तो पाचन तंत्र में सांप फंस के सांप मर जाएगा। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बेहतर इलाज नहीं होने के कारण बच्चिया का जो है सही से उपचार नहीं हो रहा है, इसीलिए बच्चिया बीमार पड़ गई है। पूरा शरीर फूल गया, चेहरा फूल गया और सर के बाल जो है वो उड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन रहा हूं कि इस बच्चिया का जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए। जिस प्रकार मैं पहले दिन आया, बच्चिया का मदद किया, मदारी बन के लोगों से चंदा तहसील के दिया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बच्चिया का जो है मदद कीजिए। पिता लाचार है, माँ लाचार है, माँ बार बार बेहोश हो जा रही है, पिताजी रो रो के हालत इनका खराब है, रिक्शा चलाते हैं और घर जो है करकट का है। आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बच्ची की मदद कीजिए ताकि एक बच्ची का जो है भविष्य संवर सके, बच्चिया बच सके और ये भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। अभी आप देख सकते हैं बच्ची यहाँ पे सोई हुई है और जैसा कि बच्ची भी आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाई दे रही है, उससे मैंने बात किया था और बोल रही है कि उसके पेट में जो है सांप है। हाँ बाबू बोलो, क्या कह रही हो? ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, बाप रे ठंड लग रहा है बाबू, हो गया मम्मी के। ठीक है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, हाँ ठीक है सो जाओ। तो ये बच्ची को काफी ठंड लग रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज जो है इसका फिर से इलाज हुआ है। कहाँ ले गए थे आज बच्चिया को इलाज के लिए? आज ले गए लिए सर सरदल हॉस्पिटल में, अस्पताल में। कहाँ पे? हाजीपुर। हाजीपुर ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा था? एगो डॉक्टर नहीं था, कोई अलग का था, उसी में रहता था जी। तो उसमें ले गए थे, 5 रुपए की पुर्जी कटा था। हाँ हाँ, 5 रुपए पुर्जी कटा और 5 रुपए की पुर्जी कटा था। प्राइवेट से इलाज हुआ है सर, इसका खून टेस्ट कराए और सब शरीर का टेस्ट कराए, सारा रिपोर्ट उसमें है सर। जी जी जी। हाँ। तो ये समझ रहे हैं, अभी हम बच्ची के पास फिर से आए हुए हैं इसका हाल चाल जानने के लिए और अब तक कितना मदद हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए मैं फिर से आ चुका हूँ। रात हो गया है और रात में आकर मैंने बच्ची से मिला, मुझे पता चला कि इसका फिर से जो है चेकअप के लिए गई हुई थी, तो जानना जरूरी है कि आखिर में उस चेकअप में क्या जानकारी मिलता है। चाची जी बैठिए, कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए बैठ। क्या हुआ क्या हुआ? देखिए देखिए उनको क्या हुआ, देखिए तो खराब है, इतना दिन से हम जब 7-8 दिन से है, क्या हो गया? निमन कैसे हो जाएगा? बेहोश हो गए क्या? अखनी ठीक ठीक ठीक। उनको उनको सोने दीजिए, सोने दीजिए, खाना सोने दीजिए। अब समझ सकते हैं माँ का भी तबीयत पूरा का पूरा खराब हो गया है, वो जाकर उधर सो रही है और वो भी कहीं ना कहीं रो रही है अपनी बच्ची के दयनीय स्थिति को देखते हुए। ये बताइए अब तक आपके मदद के लिए कौन कौन लोग आगे आए हैं? यहाँ तो सर कोई अग्नि नहीं आए मदद के लिए, कोई नहीं आए, कोई अभी तक नहीं आया, नहीं आए सर। अब आप समझ सकते हैं मदद के लिए लगभग मेरा न्यूज किए हुए 24 घंटा हो गया, मैं हमेशा आके इनकी मदद के लिए खड़ा हूँ लेकिन अभी तक ना कोई मुखिया, ना कोई विधायक, ना कोई जनप्रतिनिधि आए और इस बच्ची की मदद कर रहे हैं और ना ही ना इस परिवार को सांत्वना दे पा रहे हैं। क्या हो सकता है कि चुनाव का समय खत्म हो गया हो इसीलिए जनप्रतिनिधि नहीं आ पा रहे हैं या कोई और मामला हो सकता है? आखिर में लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? सर हमें को अती मालूम है क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो आप लोग ही जानबे सर क्यों नहीं आ रहे हैं जी। हाँ, हम क्या जाने सर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? जैसे कि आज आप अस्पताल में गए थे तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था आपको इस बारे में? डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको भर्ती तो ले लेंगे, हाँ, हाँ, फिर मेरा रिस्क नहीं है, इसको ठीक होगा या नहीं होगा मेरा कोई गारंटी नहीं। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम भर्ती कर लेंगे, ये ठीक होगी नहीं होगी, जिंदा होगी मर जाएगी, हम गारंटी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे।
ये देख लीजिए, सदर अस्पताल में ले गया था बच्ची को, ले गया गया और वहाँ के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको भर्ती तो कर दो लेकिन मैं इसको बचाने की गारंटी नहीं लूँगा। ये रिपोर्ट है, दिखाइए थोड़ा सा रिपोर्ट, ये देख सकते हैं बच्चिया का जो है ये रिपोर्ट है, ये एक्सरे है और ये सब कागज़ जो है इसका दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और बाकी ये भी एक्सरे जो है इसके पेट का एक्सरे जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले पर भी चल रहा है। और आपको हम बता दे ये ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर का है जो वैशाली हाजीपुर में, मतलब हाजीपुर के जो है ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर से जो है इनका अल्ट्रासाउंड हुआ है और इसका सारा चेकअप जो है इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं वीडियो में इसमें देख पा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के सांप होने का जिक्र जो है या कुछ बनावटी रूप या स्ट्रक्चर जो है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि इसके पेट के अंदर किसी प्रकार का सांप नहीं है, सिर्फ वो अफवाह मात्र है, लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बच्चिया के पेट के अंदर सांप है। अगर पेट नहीं फूलता तो नहीं, छोटा बच्चा है तो पेट, अरे सांप वो नहीं है भैया, सांप नहीं है वो, कैसे आधार से कर सकते हैं आप सांप नहीं है? अरे सांप नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, सांप नहीं हो सकता है भैया, कोई बीमारी हो उस पर तो लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है बताइए ना, नहीं कुछ तो है तभी तो ऐसा बात, सांप लेकिन नहीं है भैया, आप थोड़ी ना हो सकता, इलाज चाहिए, पैसा नहीं है, इलाज चाहिए, पैसा क्या भाव में, इलाज जरूरी है, सांप जरूरी नहीं, जरूरी क्या है, इलाज, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए, इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, लेकिन सांप नहीं है, आप लोगों को मानना पड़ेगा पेट के अंदर सांप नहीं जाता, अगर पेट के अंदर सांप जाएगा तो हमारा पाचन तंत्र उसको मार देगा और नहीं तो सांप का रिएक्शन होगा पॉइजन, तो आदमी मर जाएगा, दोनों में कोई एक मरेगा, सांप रह नहीं सकता है पेट में, तो ये मामला है। आपको मैं बता दूं अपने वीडियो के माध्यम से करीना कुमारी जो हाजीपुर की बताई जा रही है, आजमपुर की उसके पेट के अंदर जो है किसी भी प्रकार का सांप होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक वायरल जो न्यूज जो है वो पूर्ण रूप से जो है झूठा साबित होता है, क्योंकि पेट के अंदर किसी प्रकार का जो है सांप नहीं है। क्या डॉक्टर साहब बोले हैं कि बबिया का जो है पेट में सांप है? ये डॉक्टर साहब तो नहीं बोले हैं सर, नहीं बोले हैं, ये डॉक्टर साहब तो यही बोले हैं कि इसके पेट में पानी है, पानी है जी। और क्या बोले हैं डॉक्टर साहब की ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? वो बोले हैं इलाज करेंगे, ठीक होगा नहीं होगा मेरा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बोले हैं कि पेट में इसके सांप नहीं है, ये बोले हैं ना, ये रिपोर्ट नहीं है सर, सब रिपोर्ट, हाँ वो तो मैंने देख लिया रिपोर्ट पूर्ण तरीके से, तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर ने भी कहा था कि बच्चिया के पेट में किसी भी प्रकार का सांप नहीं है, और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि बच्चिया के पेट में, मतलब करीना के पेट में किसी भी प्रकार का सांप है, और आप अफवाहों से भी बच के रहिए कि इस प्रकार का जो भी भ्रांतियां फैल रही है वो नहीं है। जी 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 भैया बोलिए। अगला बार जो दिखाया गया है उसमें सांप बताया गया है, जी जी जी, उसके बाद सांप बताया गया था जी, हाँ जी, जैसे कि पटोरी में देखा है, हाजीपुर में भी देखा है जी, तो उसमें सांप बताया गया जी जी, फिर अभी तत्काल में आज की डेट में लीवर प्रॉब्लम बताया गया, तो हमको जो भी हो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, मदद चाहिए, इलाज चाहिए, और आप लोग की अगर मदद है तो सेवा चाहिए बस। हम मदद कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैंने मदद किया कि नहीं कर रहे हैं, और किसने मदद किया था मदद की। मेरे अलावा किसने मदद किया? उसके बाद ऐसे कुछ न कुछ दिए हैं मीडिया वाले लोग, और कोई नेता लोग कुछ नहीं आए हैं न कुछ कोई दिए हैं, नेता लोग से अपील है कि आकर के देखे कुछ बच्चा के लिए दे, नेता लोग नहीं आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने प्रयास किया लड़की की मदद करने के लिए, मैंने मदारी भी बना और उसके बाद लोगों से मैंने चंदा भी लिया, तो उसी का असर है कि जितने मीडिया आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। चाहिए बढ़िया डॉक्टर से इलाज हो जाएगा ना जी, तो बीमारी पकड़ा जाएंगे, अब सांप हो चाहे लीवर हो भाई बढ़िया डॉक्टर से प्रवेश हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, अच्छा सही इलाज होना चाहिए, अच्छा सही इलाज होना चाहिए जी। वही अब बात आ रही है इलाज की, कि बच्चिया का सही से इलाज होना चाहिए, लेकिन उस इलाज में कितने रुपए खर्चे होंगे, कितने रुपए की बड़ी रकम लगने वाली है, मैं आपको अभी बताइए। आप तो गए थे अस्पताल में साथ में थे कि नहीं जी? डॉक्टर ने कितना बताया कि इसके इलाज में कितना खर्चा होगा अगर सही
इलाज हो, बड़े अस्पताल में जाए? बड़े अस्पताल में इलाज होगा तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा हो जाएंगे सर। 10 लाख का खर्चा होने वाला है? हाँ, अब आप देख सकते हैं जितने भी हमारे बंधु देख रहे हैं, इस बच्ची को अगर बचाना है तो 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो करना होगा, नहीं तो बच्ची नहीं रहेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा भी कहा गया है और पिताजी भी कह रहे हैं करीना के, कि 10 लाख रुपया तक का जो है रकम जो है इसमें लगने वाला है, मतलब खर्चा होने वाला है, क्योंकि पेट का इलाज जो है काफी गंभीर है, क्योंकि इसका सीटी स्कैन के अलावा इसका ऑपरेशन भी होगा। सही बात है ना? हाँ, ऑपरेशन होगा सर। होगा तभी जो है इसके अंदर पेट में क्या है उसको काट के या निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। हाँ सही बात है सर जी। चलिए, आपने तो बता दिया और डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया कि 10 लाख रुपए तक लगेगा। चार महीने से ही है सर, खाला नहीं खा रही है। 4 महीने से तनका दूध पी लेती है सर। जी जी जी, उसी दूध पे जी रही है। बताइए, 10 लाख रुपए तो लगेगा। कई कट्ठा जमीन है बेचने के लिए? सर हमारे पास जमीन होती तो हम का के लिए 10 लाख रुपए रखे हैं कि नहीं जेब में? के आप? हम तो नहीं रखे हैं सर। स्विस बैंक में नहीं रखे हैं? तो हमारे पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए। 1 रुपया भी नहीं है आपके पास? पता, ये बताइए 10 लाख रुपए आप कहाँ से लाइएगा इलाज कराने के लिए? हम सर अपना शरीर बेच देंगे, अपना घर बेच देंगे, रोड पे चल जाएंगे, मगर हमारी बच्ची को बचा लो सर, कैसे करके हमारी बच्ची को बचा लो, और क्या कर सकते हैं सर जी। आप रोइए मत, आपके लड़की का इलाज जरूर होगा, आपको संतावना रखना होगा, क्योंकि पूरे बिहार की मीडिया आपके साथ है। भले कोई उच्च स्तरीय नेता लोग आए ना आए, अधिकारी आए या ना आए, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी लड़की का जरूर इलाज होगा। मीडिया पे आपको भरोसा है कि नहीं? हाँ, मीडिया पे भरोसा नहीं है सर, वैसे ही हम घूम रहे हैं, बताओ आपने संग जब भरोसा है तब ना आप हमारे पास आ रहे हैं। जी जी जी, भरोसा है, पक्का भरोसा है, आप ही लोग ही कुछ कर सकते हैं सर। हम लोग गरीब आदमी को अति करेंगे, अग्नि इलेक्शन का टाइम होता तो सब सरपंच मुखिया जी वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते। आज मेरी बेटी गिरल है तो कोई साथ नहीं दे रहा, बेचारे मेरे गांव बस्ती वाले मेरे सब साथ में दिए है। सर मैं भरपेट काला भी नहीं खाता, मैं बच्ची को लेके मैं तपस्या ही करता रहता हूँ। प्रभु, मैंने कोती गुना किया जो आज को मुझ पर जो दुख पड़ा जी, आज मेरा परिवार की भी तबीयत खराब हो गई है। बताओ मैं क्या करूं सर, मेरा कोई मांडी नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं सर। देख सकते हैं करीना के पिताजी उसके बारे में और उसकी चिंता करते करते रो पड़ रहे हैं। इनका भी हालत खराब हो चुका है और माँ का भी तबीयत खराब हो चुका है। अब जरूरी ये है कि जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो आगे आए, इस परिवार का हिम्मत बनाए और जितना हो सके जल्द से जल्द बच्ची का जो है इलाज हो पाए, ताकि लड़की ठीक हो और विभिन्न प्रकार के अफवाहों से बचे। मेरा पूरा साथ आपके साथ रहेगा, जब तक हम हैं आपके पास आएंगे, आपका इलाज करवाएंगे बच्चिया का, और हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, समझे, और आपको रोना नहीं है सर। आप जब इलाज कराएंगे, जब मेरी बेटी मर जाएगी तब इलाज कराएंगे, तो वो इलाज कराने से मुझे कोई फायदा मिलेगा सर? सर मैं तो आपके साथ में हूँ, और लोग कहाँ आ पा रहे हैं बताइए? जो अपने के करेंगे सोई ना होगा। जी जी जी, मैं तो कर ही रहा हूँ। और आप ही लोग ना खबर पहुंचाएंगे बाहर के लिए? जरूर, वही करने के लिए हम आए हुए हैं। बताओ, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। बच्ची सोई हुई है अभी, इसका पूरा तबीयत खराब है, और आपको मैं बता दूं कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं आया है, मुखिया, वार्ड सदस्य, विधायक, सांसद कोई नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि उनका राजनीतिक जो है रोटियाँ नहीं सिकने वाली है। सिर्फ मीडिया आ रहे हैं ये खबर दिखाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले, जितने विधायक लोग हैं उनको दिखाई दे कि वाकई में उनके क्षेत्र में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। बाकी दर्शकों, हम आपको जरूर बताएंगे कि जितना हो सके करीना कुमारी का आप लोग मदद जरूर कीजिए। मैंने इनका अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग जो है इनके अकाउंट में, खाते में पैसा भेजिए, और इनको जितना हो सकता है आप लोग जरूर मदद कीजिए। बाकी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, और इसके लिए हिम्मत बढ़ा के जो है इसका जरूर इलाज कराएंगे। जय हिंद।